लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि जब जब भारत जो है इस्लामिक कंट्रीज का दौरा करता है, पाकिस्तान जो है इस्लामिक वर्ल्ड से कट ऑफ हो रहा है, मोदी साहब पाकिस्तान को आइसोलेट करते दिखाई दे रहे हैं। तो आज हिस्ट्री बड़ी बदल गई है। टुडे वी हैव 23 IITs ऑल ओवर इंडिया एंड नाउ वन ऑफ देम हैज ओपन्ड अ कैंपस इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। आज भारत ने जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाखा खोली है। IIT Delhi Abu Dhabi is officially open for business. It was inaugurated yesterday by Sheikh Khalid bin Mohammed Al Nahyan. और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते, इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं, शेख खालिद बिन मोहम्मद जो हैं, वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है, फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। हमें तो ये पता था कि हर बच्चा स्कूल जाएगा और लाजमी जाएगा, कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए जाते रहे, लेकिन जो रिपोर्ट हमारे पास है वो इतनी खतरनाक है कि हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल महफूज नहीं है पाकिस्तान का। IIT जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप एक अबू धाबी के अंदर भी बनाए, हम यहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा तो मुस्लिम उम्मा एक जिसम एक जान के बानिंदा है, तो दूसरी तरफ देखते हैं तो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है सारे इंटरेस्ट बेस्ड काम कर रही है। यूएई के कैपिटल में ये कैंपस जो ओपन हुआ है ये बताता है कि इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की तालीम, दुनिया कैसे देखती है इस तालीम को। अबू धाबी में IIT दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस ओपन हुआ है और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद क्राउन प्रिंस ने इसका इनॉग्रेशन किया है और इसके ऊपर जो UAE है उसकी तरफ से भी काफी ट्वीट किया गया और जो अरब मीडिया है वो भी ये वाली न्यूज़ दे रहा है। ये दुनिया क्योंकि इस वक्त का ये एरा ही IIT का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, हर कोई चाहता है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी हो और सबको ये पता है कि इसकी जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में है। इंडिया की यूथ इस वक्त जो टेक कंपनीज पर रूल कर रही है उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है। जैसा कि मैंने बताया कि क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी जिन्होंने इनॉग्रेट किया, ओपन किया है IIT और इसके अंदर अभी तक 52 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड थ्रू दी जी एडवांस्ड एग्जाम एंड दी न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। और ऑब्वियसली कि इंडियन अथॉरिटीज ही वहां पर मौजूद होंगी, जो टीचर्स हैं, ये टेस्ट फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स जो है एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट रखा है उन्होंने पूरी दुनिया के लिए इंडिया ने, और ये पहले हर कंट्री के स्टूडेंट्स को उस IIT में एडमिशन के लिए देना पड़ेगा ये टेस्ट। उस टेस्ट में जो स्टूडेंट्स कामयाब होंगे उनको इन कैंपसेस में आने दिया जाएगा और दाखला दिया जाएगा। ये दाग बेल कब पड़ी थी, यानी कब ये सोचा गया था कि ऐसा होना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी और शेख जैद बिन अल नाहियान ने फरवरी 2022 में 2 साल पहले इसका एक ख्वाब देखा और इसके अंदर फिर इसकी आउटलाइन क्रिएट की गई और इसकी वजह से इंडिया UAE रिलेशनशिप जो है वो एक नए कोलैबोरेशन में आए। देखिए ना, IIT इंडिया और UAE की एक नई कोलैबोरेशन बनाई उसने। अगर आप देखें कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है कैंपसेस वो प्लान किए गए हैं टू बिल्ड इन 7 फॉरेन कंट्रीज और इनमें इन फॉरेन कंट्रीज में कतर, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, UAE एंड UK भी शामिल हैं। और इसमें जो IIT अबू धाबी है उसने लॉन्च किया है फर्स्ट मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इन एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये भी इसके अंदर न्यूज़ है कि मेमोरेंडम्स भी साइन हुए हैं और एग्रीमेंट्स भी साइन हो रहे हैं, यानी अबू धाबी और इंडिया के बीच और भी एजुकेशन पे जो डिपेंड करता है, जितने भी वो चाहते हैं कि और इसमें क्या किया जाए उसके लिए भी एग्रीमेंट्स साइन हो रहे हैं। इसके अंदर यह है कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन के अंदर यानी इसी मंथ में क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी वो विजिट कर रहे हैं इंडिया का, कि इंडिया के किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जब इनॉग्रेट करना होता है तो वहां के क्राउन प्रिंस जाकर करते हैं, उसको ओपन करते हैं और इससे इंडिया की एजुकेशन का अंदाजा होता है। तो हर कोई तालीम की तरफ दौड़ रहा है क्योंकि ये दुनिया जो है ये एजुकेशन की और खासतौर पर IIT की है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, सऊदी अरब, UAE के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और UAE की। मुझे ये इमेजिन बताएं कि एक लीडर जाता है जाके कहता है कि या हबीबी हेल्प,
ठीक है जी, कर्जा रोलेबल करना है, और दूसरा जाता है हु इज नॉट अ मुस्लिम बट ही इज अ हिंदू और क्रिश्चियन या कोई और, उनके पास जाकर तो या हबीबी हमसे जो है ना ये इंस्टीट्यूट ले लो, ये हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आपके बच्चों की बड़ी हेल्प करेगा और हम इसको जो है वो चाहते हैं कि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इससे वो आगे जाएंगे, या हबीबी, या हबीबी मान जाता। अब क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं जी कि हमारे पास 23 और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है जी, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनोवेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको अक्सर MIT एंड हार्वर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रेंकली स्पीकिंग मतलब मेरे लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया कह रहा है जी कि आर जो कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, दैट इज टू शेयर नॉलेज एंड इंडियन एक्सपर्टीज, ठीक है जी। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो तभी के अंदर ये खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेगा रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर, और जितनी भी लैब स्पेसेस हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, फैकल्टी एक्सचेंज के हवाले से, और भी जो यूनिवर्सिटी अबू धाबी के अंदर उनके साथ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करेंगे, ठीक है। मुझे तो ये अंदाज़ा लगाएं कि जो मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी पार्टिसिपेट करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन जॉइंट रिसर्च, जो कि अब देखें ये इस लेवल पे डिस्कशन हो रही है, लेकिन जब पाकिस्तानी लीडर जाएंगे, वज़ीर आज़म साहब जाएंगे, कहेंगे हबीबी $2 अरब दें सेंट्रल बैंक में रखने के लिए, फिर तो दे देंगे, और हबीबी विल ऑलवेज गिव। मैं आपको बात बताऊं, द एमिरातीज एंड द सऊदीज हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू पाकिस्तान, इतना हेल्पफुल कोई भी नहीं रहा, एंड दे आर ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू पाकिस्तान, लेकिन ये कोई ताल्लुक की बुनियाद थोड़ी है, ये कोई रिलेशनशिप की बुनियाद थोड़ी है। ताल्लुक की बुनियाद ये नहीं होती कि तुझे मंगन आया था लग गया, ताल्लुक की बुनियाद ये है कि आप कैसे अगले को कन्विंस करें, ठीक है जी। अब ये जो इधर भी कैंपस अबू धाबी में है, मुझे पता चला तंजानिया में भी ये कैंपस है, युगांडा के अंदर भी ये कैंपस है, ठीक है जी। बहरहाल सो द क्वेश्चन इज के इंडिया जो है वो अपने आप को उन्होंने इस तरह मार्केट करना शुरू कर दिया कि पहले मेरे ख्याल है बैच के अंदर तकरीबन 52 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं, एक एडवांस प्रोग्राम है सिलेक्शन का उसके ज़रिए, और एक कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो है इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स के लिए, वो भी इन्होंने किया है। सो क्वेश्चन ये है कि अब ये जो IIT की जो इस्टेब्लिश हुआ है कैंपस UAE के अंदर, ये वो कह रहे हैं जी कि नरेंद्र मोदी साहब का विजन है और शेख मोहम्मद बिन जायद का विजन है, जो फरवरी 2022 में दे चार्टर्ड और दे आउटलाइंड अ रोड मैप। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद। कि इंडिया IT के सेक्टर में, तालीम के सेक्टर में इतना आगे जा रहा है कि अब अरब ममालिक गल्फ कंट्रीज के अंदर एजुकेशन में पकड़ मजबूत कर रहा है। वैसे तो इंडियंस बहुत से मौजूद है गल्फ कंट्रीज के अंदर, लेकिन अब एजुकेशन में अपना नाम बना रहा है।